मुलायम सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधा ले चलते हैं। चिकित्सा के आधार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, काले गोरे का भेद नहीं करना चाहिए। काले गोरे का भेद करते हो, गोरे बहुत सुंदर है क्या? गोरे बहुत ज्यादा सुंदर हो जाते हैं, ज्यादा गोरे हो जाते तो बदसूरत हो जाते हैं। तो समझ गए, जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, महिलाओं के आधार पर, इसे सात क्रांतियां हैं। उस सात क्रांतियों को पर लेने के मानी समाजवाद है। तो आज हमें खुशी है, मौसम बहुत ठंडा है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद ना, ना मामूली बात नहीं है। और जो हम लोग आपसे फिर दोहराना चाहते, मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारी समाजवादी पार्टी बूढ़ी नहीं होगी, साबित हो गया समाजवादी पार्टी जवानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। तो पार्टी आपकी है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि दुनिया के आधार पर आप देखेंगे कितना बदलाव हो रहा है, चाहे अमेरिका हो और चाहे और भी हमने देशों के नाम तो आप तो जानते हैं, उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। एक परिवर्तन की लहर है दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर लहर हवाई है, और समाजवादी पार्टी शुरू से ही परिवर्तन की राजनीति करती रही है और आज ही कर रहे हैं। तो जो हम कह मैंने बता दिया कि नौजवान आए बहुत बड़ी तादाद में, यही नारे लगाते हैं, यही वोट डलवाते हैं, यही माहौल बनाते हैं समाजवादी पार्टी के नौजवान। तो नौजवानों, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि तीन बातें मैंने बताई थी, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीन को मैंने कहा लोकसभा के अंदर, प्रधानमंत्री जी आप देश को सरकारी बनाना चाहते हो, सरकारी कहाँ ढूंढ रहे हो, सरकारी तीर कर दीजिए, किसानों को सुधार दीजिए खाद बीज सिंचाई की, और उनकी लागत खर्चा आता है तो उसके साथ उनको कीमत दो। नौजवान बहुत बड़ी तादाद में है, इनको रोजगार नौकरी कहीं कहीं फौज में, पीएसी में, पुलिस में, कहीं कहीं, और रहर सहे समाजवादी पार्टी में नौजवान है। अब इसी तरह व्यापारी है, ये तीन है। सुन लीजिए, दुनिया भर के भाषण दिए जाते हैं, देश को शक्तिशाली बनाने वाले तीन लोग हैं। नंबर एक किसान, नंबर दो जवान, नंबर तीन व्यापारी। व्यापारी खरीद करे, लाभ दे किसानों को, और फिर वो बाहर ले जाए, विदेशों में भी भेजे, और देश में भी इधर से उधर अपना व्यापार करें। तो आप समझ लो, नोट कर लो सब लोग, देश को शक्तिशाली बनाने वाले तीन लोग हैं। कौन कौन? किसान, नौजवान और व्यापारी। ये भी आज आपसे कहने आए हैं, और ये भाषण मैंने दिया है लोकसभा के अंदर, तो आपको जानकारी होना चाहिए। लोकसभा के कई बीजेपी के नेताओं ने, और उन्होंने तो किया, बीजेपी के नेताओं ने बधाई दी, हमारा दिमाग साफ कर दिया, देश कैसे सरकारी होगा, आपने तीन बातें बता दी, तीन ही के आधार पर देश सरकारी होगा। समझ गए? बताओ नौजवान, पहला नंबर एक किसान है, फिर नौजवान है, और फिर व्यापारी है। किसान पैदावार करेगा,
किसान पैदावार करेगा, नौजवान संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, फौज में जाएगा, पुलिस में जाएगा, पीएसी भी जाएगा, कुछ लोग अपने खेती में काम करेंगे। ये नौजवान हैं, और व्यापारी को भी नफरत नहीं करना चाहिए, व्यापारी को लाभ हो तो व्यापारी सब खरीद कर लेगा, किसानों को मूल्य दे देगा, ज़्यादा पैदावार करने वालों को मूल्य ज़्यादा देगा। तो बाबू मैं कहना चाहता हूँ, देश शक्तिशाली कैसे हो, तीन बातें हैं जो तुम्हें और अपने आप याद हो गई होंगी, तीनों बातें होंगी। नंबर एक किसान, नंबर दो नौजवान, और नंबर तीन व्यापारी। ये तीनों को सुविधा देनी चाहिए, देश शक्तिशाली हो जाएगा। मुझे आज इतना ही कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ में सपा संरक्षण को आप एक कार्यक्रम में सुन रहे थे मुलायम सिंह यादव को, जहां पर वो युवा पीढ़ी को मजबूत करने के लिए यहां पर अपनी बात कहते हुए नजर आए और कहा कि समाजवादी विचारधारा को युवा जरूर पढ़े, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरोप लगाए जाते हैं कि समाजवादी पार्टी बूढ़ी हो गई है, तो बता दें कि समाजवादी पार्टी जवानों की पार्टी है और इसमें हर कोई जवान है, और विचारधारा जो हमारी है उसको युवा जरूर पढ़े, लेकिन क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और साबित हो गया है कि सपा जवानों की ही पार्टी है। तो एक कार्यक्रम में शामिल हुए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, लखनऊ में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और इसी दौरान उन्होंने वो तमाम बातें रखी जिसको लेकर हमेशा पार्टियां उन पर, समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहती हैं, और ऐसे में युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने का आह्वान भी उनके कहीं ना कहीं इस संबोधन में नजर आया। और इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उसको युवा जरूर पढ़े, और समाजवादी पार्टी बूढ़ों की नहीं बल्कि जवानों की पार्टी है, और ये पार्टी हमेशा साबित करती हुई आई है। तो भेदभाव भी पहले बीच में कई नजर आए समाजवादी पार्टी में, क्योंकि मुलायम सिंह यादव कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ नजर नहीं आए, और ऐसे में जवानों की और बूढ़ों की पार्टी को अलग अलग धड़ों में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बांट दिया गया था, और ऐसे में ये तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं मनमुटाव की हमेशा सामने लाती थी उसको दरकिनार करते हुए नजर आए।